कहते हैं कि किसी का भरोसा जीतने के लिए कभी कभी कई साल लग जाते हैं, मगर अजीब बात है, भरोसा टूटने में चंद लम्हे ही लगते हैं और वापस से उसी टूटे हुए भरोसे को जीतने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस कहानी के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो चैनल पर वो आपको मिल जाएंगे, वो देख ले और सब्सक्राइब करना ना भूले। द लॉस्ट की कहानी अब आहिस्ता आहिस्ता और भी मिस्टीरियस होती जा रही है। एक ऐसा प्लेन क्रैश जिसमें आधे से ज्यादा लोग सही सलामत बच गए, इतने दिन हो गए मगर कोई भी इन्हें ढूंढने नहीं आया। आइलैंड पर अजीबो गरीब चीजें हो रही है। फ्रेंच लेडी का वो डिस्ट्रेस कॉल जो पिछले 16 साल से एक ही लूप में रिपीट हो रहा है। गुफा में वो दो लाशें, पोलर बेयर का होना, मिस्टर लॉक का किसी अनजान चीज से सामना होना और आखिर में जब सईद फ्रेंच लेडी के सिग्नल को डिटेक्ट करने वाला था मगर किसी ने उस पर हमला करके बेहोश कर दिया। ये सभी बातें हमें उलझन में डाल देती है मगर वक्त के साथ सब कुछ हमारे सामने होगा, तब तक के लिए सब्र रखे। तो शुरुआत होती है केट और सॉयर से। केट जंगल से कुछ फ्रूट्स लाई थी, सॉयर उस समय नहा रहा था। केट नोटिस करती है कि सॉयर के पास एक किताब है। खैर कुछ देर बाद जब सॉयर जंगल में था उसे कुछ महसूस होता है। वो उस जगह की ओर भागता है जहां उसने अपना सामान छुपाया था। तब वो बून को देख लेता है जो या तो उसके सामान में से कुछ ढूंढ रहा था और या चुरा रहा था। सॉयर जैसे ही उसे देखता है गुस्से में पूछता है कि तुम मेरे सामान के साथ क्या कर रहे हो बेटा। यहाँ से सीन गुफा पर शिफ्ट होता है जहाँ जैक सईद का इलाज कर रहा था क्योंकि उसके सर से खून बह रहा था। सईद कहता है कि मैं उस सिग्नल का सोर्स मालूम करने के बहुत करीब था मगर जिसने भी मेरे साथ ये किया मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। इतने में शेनन बून को ले आती है, उसे सॉयर ने काफी मारा पीटा था। जैक पूछता है कि ये किसने किया तो बून जवाब देता है कि सॉयर ने। पिछले 7 एपिसोड से सॉयर सभी के लिए एक सरदर्द बना है। वो किसी की मदद नहीं करता, किसी की बात नहीं सुनता, एक बदमाश की तरह रहता है, सिर्फ अपनी मनमानी करता है। असल में सॉयर की गलती नहीं थी, वो धोखे, चोरी, डकैती, दूसरों को लूटना, सिर्फ अपना सोचना, बाकी जाए भाड़ में वाली दुनिया में पला बड़ा था। इसलिए वो बाकी सबसे अलग रहता था और तकरीबन सभी उससे नफरत करते थे। अब बून को पीटना, जैक तो गुस्से से पागल हो रहा था। जैक बून से पूछता है कि आखिर तुम उसके सामान के साथ क्या कर रहे थे तो बून रिवील करता है कि शेनन को आजमा है। आज सुबह उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मेरे पास उसके कुछ इनहेलर्स थे मगर अब वो खत्म हो चुके हैं। मेरे बैग में भी कुछ इनहेलर्स थे मगर आज तक वो मुझे नहीं मिले। आज सुबह मैंने सॉयर के पास अपनी बुक देखी, ये बुक भी उसी बैग में थी जिसमें इनहेलर्स थे। अगर बुक उसके पास है तो इसका मतलब कि मेरा बैग भी और इनहेलर्स भी। इसलिए मैं उसके सामान में वो ढूंढ रहा था मगर उसने मुझे पकड़कर ऐसे धोया कि अब तुम मेरा इलाज कर रहे हो। अब जैक गुस्से में बीच पर आता है और सॉयर के टेंट में इनहेलर्स ढूंढने लगा। सॉयर भी वहां बैठा था। जैक सॉयर से गुस्से में पूछता है कि बताओ आजमा के मेडिसिन कहाँ है। सॉयर कभी भी सीधा जवाब नहीं देता था, हमेशा बस घुमा फिरा कर बात करता था। वो कहता है कि अच्छा वो, जैक कहता है कि तुमने एक ऐसे लड़के को मारा जो अपनी बीमार बहन की मदद कर रहा था। सोहर कहता है कि मैंने एक चोर को पकड़कर मारा क्योंकि वो मेरे सामान से चुरा रहा था। जैक भड़क जाता है कि तुम्हारा सामान कहाँ से आया, ये मरे हुए लोगों का सामान है, हम सबका सामान है, किसी के सूटकेस से कुछ चुरा कर वो तुम्हारा नहीं हो जाता। सॉयर कहता है कि देखो डॉक्टर, मुझे नहीं पता वहाँ गुफा में तुम लोगों का क्या कानून है मगर यहाँ जंगल राज चलता है, हर इंसान को अपने सामान की सुरक्षा करनी है। जैक गुस्से में कहता है कि उठो। उस समय सॉयर सीट पर बैठा था। सॉयर पूछता है कि क्यों, तुम्हें देखना है कि कौन कदम लंबा है। इन दोनों की बहस चल रही थी कि केट आ जाती है, जैक से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। उस समय जैक तो आग बगोला हो चुका था मगर अपने गुस्से पर काबू पाकर वो सॉयर के टेंट से थोड़ी दूर आता है और केट को सारी बात बता देता है कि असल में समस्या क्या है। जैक कहता है कि मैं इस कमीने को मार दूंगा अगर इसने वो इनहेलर्स नहीं दिए। केट समझाती है कि उससे कुछ हासिल नहीं होगा तो जैक गुस्से में कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ मगर इसे मारकर मुझे अच्छा महसूस जरूर होगा। जब से हम क्रैश हुए हैं
इसने हम सब की नाक में दम करके रखा है। केट जैक को शांत करती है और समझाती है कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उससे पूछूंगी। जैक हंसता है कि वो तुम्हें क्यों बताएगा। तो केट कहती है कि सॉयर ने कहा है कि उसके और मेरे बीच कोई कनेक्शन है। जैक पूछता है कि सच में। केट हंसती है कि पागल हो क्या, सॉयर के साथ भला कौन रहना चाहेगा। खैर थोड़ी देर बाद केट सॉयर के पास जाती है। सॉयर उस समय लकड़ियां काट रहा था। केट उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए सॉयर। सॉयर हंसता है और मुड़कर कहता है कि मुझे तो बहुत कुछ चाहिए जानेमन, बस मैं हैरान हूँ शुरू कहाँ से करूँ। चलो किससे शुरू करते हैं, मुझे किसी दे दो। केट हैरानी से पूछती है कि क्या पागल हो गए हो, मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ एक बीमार लड़की के लिए यहाँ आई हूँ और तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खैर सॉयर खामोश ही रहता है। केट कहती है कि मैंने तुम्हें देखा है सॉयर कई बार, जब भी तुम वो लेटर पढ़ते हो वो हमेशा तुम्हारे जेब में होता है, तुम उसे संभाल कर रखते हो बच्चों की तरह कि कहीं वो खराब ना हो जाए। और मैंने गौर किया है जब भी तुम उसे पढ़ते हो तुम्हारे चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल जाते हैं। सॉयर बाहर से तुम कितनी ही एक्टिंग क्यों ना कर लो, मगर मैं जानती हूँ अंदर से तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो, अंदर एक अच्छा इंसान है। ये सारी बातें सॉयर सुन रहा था, उसका भी मूड बदल जाता है। गुस्से में वो केट के पास आता है, कहता है कि तुम जानना चाहती हो मैं अंदर से कैसा इंसान हूँ, और उसे वो लेटर थमा देता है, कहता है कि इसे तेज आवाज में पढ़ो। केट वो लेटर लेती है और तेज आवाज में पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कि डियर मिस्टर सॉयर, तुम मुझे नहीं जानते मगर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने क्या किया है, तुमने मेरी माँ से ताल्लुक रखा, मेरे पिता के सारे पैसे लूट लिए। इस बारे में जब मेरे पिता को पता चला उसने मेरी माँ को मार दिया और बाद में खुद को। ये लेटर पढ़ते हुए केट इमोशनल हो जाती है। वो लेटर वापस करने वाली थी मगर सॉयर उसे कहता है कि रुको मत, आगे पढ़ो। केट मजबूरन आगे पढ़ती है। आगे लिखा था, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता, बस तुम्हारा नाम याद है। एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, ये लेटर तुम्हें दूंगा ताकि तुम्हें याद आ जाए कि तुमने कौन सा गुनाह किया है, और फिर मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि तुमने मुझसे मेरे माता पिता छीन लिए। बस इतना ही। सॉयर केट से लेटर ले लेता है। खैर अब हम केब वाले लोगों के पास आते हैं। शेनन का हाल बुरा था, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जैक उसकी मदद करने की कोशिश तो कर रहा था मगर आजमा के मेडिसिन के बिना ये मुमकिन नहीं था। सईद अपने दुश्मन को ढूंढ रहा था, मतलब जिसने उस पर हमला किया। वो मिस्टर लॉक के पास आते हैं, उससे पूछते हैं कि आप शाम को कहाँ थे, मैं सबसे पूछताछ कर रहा हूँ। मिस्टर लॉक सईद को बताते हैं कि वो मैं नहीं हूँ, जिस समय तुम पर हमला हुआ था मैं बोर की काल उतारने में लगा था, मगर मैं जानता हूँ ये काम किसका हो सकता है, मतलब कि मुझे शक है ये कोई ऐसा हो सकता है जो इस आइलैंड से जाना नहीं चाहता, यहीं पर खुश है, और वो चाहता भी यही है कि बाकी सब भी यहीं पर रहे। लॉक सॉयर की तरफ इशारा करता है मगर सईद कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उस समय वो केट की जगह रॉकेट फायर कर रहा था और वो मुझसे 2 किलोमीटर की दूरी पर था, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मगर लॉक के पास एक्सप्लेनेशन थी, वो बताता है कि तुम इराक में टीवी नहीं देखते, उसने जरूर आसपास आग जलाई होगी जो आहिस्ता आहिस्ता रॉकेट की तरफ बढ़ रही थी, उसने एक किस्म का टाइमर सेट किया होगा। अब सईद को आहिस्ता आहिस्ता शक होने लगा। लोग उसे अपना नाइब भी देता है कि आइंदा अगर उस पर हमला हो तो वो कम से कम अपनी हिफाजत तो कर सके। कुछ देर बाद सॉयर पीने का पानी लेने गुफा में आता है। जैक और बून उस समय शेनन के इलाज में लगे थे। सॉयर को कोई परवाह नहीं थी। ये देखकर जैक उसके पास जाता है, गुस्से में उसे इनहेलर के बारे में पूछता है और 2-3 मुक्के भी मार देता है। पलट के सॉयर कोई वार नहीं करता बल्कि जैक को और भड़काता है कि तुम में इतना ही दम है, मगर जैक अपने आसपास देखता है क्योंकि सबकी नजरें उसकी ओर थी और वो कोई जालिम इंसान नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो रुक जाता है। सॉयर पानी लेके वापस बीच पर आता है। अब कहानी थोड़ी सी चार्ली और क्लेयर पर फोकस होती है। चार्ली चाहता था कि क्लेयर उसके साथ केब में रहने आ जाए मगर क्लेयर बीच पर ही खुश थी। खैर उस दिन दोनों को अच्छे कहानी की याद आ रही थी तो क्लेयर को सबसे ज्यादा पीनट बटर की याद आती है। चार्ली क्लेयर से एक डील करता है कि अगर वो क्लेयर के लिए पीनट बटर ले आया तो क्या वो केब में उसके साथ रहने जाएगी। क्लेयर को पता था कि ये मुमकिन नहीं, इसलिए वो डील के लिए मान जाती है। अब चार्ली को ढूंढना था पीनट बटर। खैर वो हर्ली के पास आता है।
हर्ली उसे बताता है कि वो सारा खाना खत्म हो चुका है डूड। पीनट बटर तो दूर की बात, प्लेन में जो भी था वो अब नहीं रहा। चार्ली फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, कहता है कि मुझे लगा तुम्हारे पास अपना खाना होगा। इस बात पर हर्ली भड़क जाता है क्योंकि इसका मतलब ये था कि हर्ली मोटा है तो वो बाकी सबसे ज्यादा खाना खाएगा। वो आखिरी बार चार्ली को कहता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं मोटा लगता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सॉयर की तरह मैंने भी अपने लिए चीजें बचा के रखी है। वहाँ कैब में हालात अच्छे नहीं थे। शेनन को आसमा ठेक आ चुका था, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। जेक उसके पास आता है और बिना मेडिकेशन के उसके सांस लेने में मदद करता है। बून को समझाता है कि इसका ख्याल रखना, इसे डराओ मत, इसे शांत रखो, मैं कुछ करता हूँ। जेक जब गुफा से बाहर आ रहा था तो सईद भी उसके पीछे आता है। जेक को कहता है कि तुम मुझे इजाजत दो, मैं सॉयर से सच उगलवा सकता हूँ, वो हमें इनहेलर जरूर दे देगा। जेक सईद से पूछता है कि तुम तो एक कम्युनिकेशन ऑफिसर रह चुके हो ना। सईद जवाब देता है कि मैं 5 साल तक रिपब्लिकन गार्ड था इराक में और मैं कम्युनिकेट करता था, पूछताछ करता था क्रिमिनल से। खैर अब मजबूरन जेक इसके लिए मान जाता है। जब सॉयर सो रहा था तो ये लोग उसे बेहोश करके जंगल में ले जाते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं। होश में लाने पर वो सईद को अपने सामने देखता है। सॉयर कहता है कि मैं भी सोचूं, इतने हिम्मत वाला कौन था जो मेरे साथ ये कर सकता है। फिर वो जेक को भी देखता है। जेक आखिरी बार सॉयर से पूछता है कि बताओ तुमने वो इनहेलर्स कहाँ छुपाए हैं, हमें मजबूर मत करो। सॉयर कहता है कि वरना क्या कर लोगे। तब सईद आगे आता है, वो लकड़ी के टुकड़ों को शार्प कर रहा था। वो सॉयर को कहता है कि जानते हो इराक में जब हम किसी को टॉर्चर करते थे वहाँ बेम्बू तो नहीं होते थे मगर एक पेड़ होता था, उसके टुकड़ों को शार्प करके हम नाखूनों के नीचे डालते थे। इस दर्द को कोई भी नहीं सह सकता था और तुम मुझे इसके लिए मजबूर कर रहे हो। सॉयर गुस्से में सईद को कहता है कि जानते हो मुझे नहीं लगता कि तुमने अपने जिंदगी में किसी को टॉर्चर भी किया होगा। सईद जवाब में कहता है कि मुझे अफसोस है मगर तुम गलत हो। और इसके बाद वो सॉयर को काफी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगा। वो बेचारा चिल्लाता तो बहुत है। जेक ये सब देख रहा था मगर वो सईद को नहीं रोकता। फिर काफी जख्मी करने के बाद सॉयर कहता है कि ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगा मगर तुम्हें नहीं, मैं केट को बताऊंगा, वो भी अकेले में। तो जेक केट को ले आता है। सॉयर अकेले में उससे बात करता है मगर उसकी वही डिमांड थी। वो केट को कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा मगर बदले में मुझे किस दो। केट मजबूर थी तो वो ऐसा ही करती है। किसके बाद सॉयर बड़े आराम से कहता है कि मेरे पास वो नहीं है, शुरू से नहीं था। ये सुनते ही केट सॉयर को एक थप्पड़ मार के चली जाती है। अब हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर किसी का बर्ताव अलग होता है। सॉयर का तो सबसे अलग है, उसके पास सच में इनहेलर्स नहीं थे। बून वाली बुक असल में उसे किनारे पर मिली थी। वो खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहता था इसलिए वो घुमा फिरा कर जवाब देता था, उसने कभी भी सीधा जवाब नहीं दिया। केट वापस आती है तो जेक और सईद को बता देती है कि उसके पास नहीं है। सईद कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। सईद जब वापस सॉयर की ओर भागता है उसे और टॉर्चर करने के लिए, तब तक सॉयर खुद को खोल चुका था और अब दोनों लड़ने लगे। इस हाथापाई में एक्सीडेंटली सईद सॉयर के हाथ में नाइफ घुसा देता है। जेक जब देखता है तो जख्म गहरा था क्योंकि सईद ने उसकी नस काट ली थी, काफी ब्लीडिंग हो रही थी। जेक सईद को जल्दी से फर्स्ट एड किट लेने कैब में भेजता है। खैर अब ये एक दूसरे के जानी दुश्मन तो थे नहीं। सईद को भी बुरा लगा कि उसने ऐसा किया और जेक को भी, तो जेक उसका इलाज करता है। हालांकि जख्मी हालत में भी सॉयर जेक को कह रहा था कि डॉक्टर छोड़ दो मुझे, मत बचाओ, तुम यही तो चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मगर जेक उसे गुस्से में कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। वही कैब में सन माइकल के पास आती है, उसे कहती है कि मैं उस बीमार लड़की यानी शैनन की मदद कर सकती हूँ अगर तुम जंगल से एक खास पौधे को ले आओ। कुछ देर बाद माइकल वो ले आता है मगर जिन ये देख रहा था कि सन माइकल से बात कर रही है। जिन और माइकल को तो पहले से ही एक दूसरे की शक्लें पसंद नहीं थी। खैर उस समय वो माइकल से लड़ता नहीं है और सन उस पौधे की मदद से शैनन की आजमा में हेल्प करती है। बाद में जेक आता है, शैनन काफी अच्छा फील कर रही थी। जेक सन की तारीफ करता है कि तुमने ये अच्छा किया, मेरा तो कभी भी इस जड़ी बूटी पर ध्यान ही नहीं जाता। दोस्तों अब हमें सॉयर की कहानी जाननी होगी, वो भी उसके पास्ट में जाकर। इंग्लिश लैंग्वेज में एक शब्द है कॉन मैन, जिसका फुल फॉर्म है कॉन्फिडेंस मैन।
ये ऐसे शख्स को कहते हैं जिसमें इतना कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत होती है कि वो किसी से भी झूठ बोल सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है और उसे लूट सकता है, मगर उसके शिकार को ये महसूस भी नहीं होगा कि असल में कौन मैन उसे लूट रहा है। ये उसे तब पता चलता है जब उसका दिवालिया निकल जाता है, तब उसे रियलाइज होता है कि जो बंदा मुझे लूट के गायब हो गया है असल में वो धोखेबाज था, एक कौन मैन था। और तहज्जुब की बात ये है कि ऐसे लोगों को पुलिस भी आसानी से नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वो किसी के पैसे जोर जबरदस्ती से नहीं लूटते, बल्कि बंदा खुद ही उसे दे देता है, वो भी भरोसा करके। तो असल में सॉयर एक कौन मैन है, या ता मतलब इस क्रैश से पहले हमें उसका एक क्राइम दिखाया जाता है। सॉयर आमतौर पर औरतों को लूटता था, अमीर औरतों को, पहले उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना, फिर उसे पैसे की लालच देना। जैसे यहाँ इस एपिसोड में हम देखते हैं, वो एक औरत के साथ था, ये औरत शादीशुदा थी और अमीर भी। तब वो सॉयर को याद दिलाती है कि क्या तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। सॉयर जल्दी से उठता है, कपड़े पहनकर जैसे ही ब्रीफकेस हाथ में लेता है वो खुला था तो उससे सारे पैसे गिर जाते हैं। ये ब्रीफकेस पैसों से भरा होता है। ये औरत जब देखती है तो सॉयर से पूछती है कि तुम कौन हो, आखिर इतने पैसे कहाँ से आए और तुम करते क्या हो। सॉयर नाटक करता है कि मैं नहीं चाहता था, तुम ये देखो, मैं तुम्हें ये बताना भी नहीं चाहता था, ये सब प्लानिंग होती है, असल में शिकार ये औरत है। खैर सॉयर बाद में उसे बता देता है कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में एक ऑयल कंपनी लगने वाली है, मैं ये पैसे उसमें इन्वेस्ट करूंगा और 2-3 हफ्तों में ये डबल हो जाएंगे। ये सुनते ही उस औरत को भी लालच का कीड़ा लग जाता है। जब सॉयर कहता है कि इसमें कुछ $1,000 कम है, मैं अपने एक दोस्त से वो लेने वाला हूँ, मगर वो औरत कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक साथ इसमें इन्वेस्ट करें, मेरे पति के पास काफी पैसा है। खैर सॉयर उसे फंसाने वाला था तो वो इतनी आसानी से नहीं मान रहा था, कहता है कि नहीं दोस्ती में ये सब ठीक नहीं। मगर धीरे धीरे ये औरत खुद भी और अपने पति को भी कौन मैन सॉयर के जाल में फंसा देती है। वो सॉयर को पैसे देने के लिए तैयार हो गए और न जाने सॉयर ने कितने लोगों को लूटा, उनकी जिंदगियां बर्बाद की। वो जो पैसे ब्रीफकेस में अपने साथ रखता और लोगों को दिखाता वो फेक होते थे। अब जिस दिन सॉयर इस फैमिली को लूटने वाला था, उनके पैसे ले जाने वाला था, वो इन दोनों के छोटे बेटे को देख लेता है और अचानक से उसका मन बदल जाता है। वो कहता है कि डील्स ऑफ, मैं ये नहीं कर सकता। वो सारे पैसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अब लेटर वाली बात को अगर सामने रखे तो ऐसा ही लगता है जैसे सॉयर ने किसी को लूटा होगा और उनका बेटा अब सॉयर से बदला लेना चाहता है, मगर ऐसा है नहीं, ये यहाँ क्लियर हो जाएगा। आते हैं आइलैंड पर जहाँ सॉयर को होश आता है, जैक ने उसके हाथ पर बैंडेज लगाई थी। सॉयर असल में मरते मरते बचा, अगर जैक ना होता। खैर केट उसे कहती है कि तुम लकी हो, साथ ही वो उस लेटर को दिखाती है और उसे कहती है कि मुझे अब समझ आई, ये लेटर तुम्हें किसी ने नहीं भेजा बल्कि ये तुमने खुद लिखा है किसी के लिए, और तुम्हारा नाम भी सॉयर नहीं है। सॉयर बताता है कि मैं 12 साल का था जब मैंने ये लेटर लिखा था, एक आदमी जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी माँ को धोखा दिया, उसने अपना झूठा नाम सॉयर बताया था। मैंने कसम खाई थी कि मैं उसे ढूंढकर उसके इस गुनाह के लिए सजा दूंगा। मैं 18 साल का था जब मैंने किसी को धोखा दिया था और उसे लूटा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं जिस आदमी को खत्म करने निकला था, मैं वही बन गया, मैं सॉयर बन गया, एक कौन मैन। वो आदमी मुझे आज तक नहीं मिला। ये सब सुनते ही केट को उसके लिए काफी बुरा फील होता है। सॉयर उससे अपना लेटर छीन लेता है कि दबा हो जाओ यहाँ से, अब तुमने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया कि मैं अंदर से कैसा हूँ। तो दोस्तों आगे से सॉयर के करेक्टर को समझना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि अब हम इस आदमी के बारे में कुछ बहुत ही अहम जानते हैं। इसके बाद चार्ली दिखाया जाता है जिसे पीनट बटर तो नहीं मिला, मगर वो एक खाली जार क्लेयर के सामने लाता है और उसे अपने इमेजिनेशन यूज करने को कहता है कि इसमें पीनट बटर है। खैर इस बात से क्लेयर इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ गुफा में रहने के लिए मान जाती है। सबसे आखिर में सईद दिखाया जाता है जो केट के पास आता है, उसने अपना सामान पैक किया हुआ था, असल में वो यहाँ से जा रहा था। वो केट को कहता है कि आज जो हुआ, अगर सॉयर मर जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता, तो अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ।
किसी ना किसी को तो इस आइलैंड का मैप बनाना है, इसे एक्सप्लोर करना है। शायद मुझे उस सिग्नल का सोर्स भी मिल जाए जंगल में। हालांकि केट सईद को ना जाने का मशवरा दे रही थी कि तुम्हें पता है ना कि वहाँ जंगल में कुछ अजीब है, कुछ बहुत ही खतरनाक। मगर सईद कहता है कि उम्मीद करता हूँ केट कि हम दोबारा मिलेंगे, मगर मैं नहीं रुक सकता। इसी के साथ वो जाने लगा। आखिरी सीन में सॉयर उस लेटर को जलाने वाला था, अपने बदले की आग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाला था, मगर वो नहीं करता। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड। आगे देखेंगे क्या होता है। चैनल के साथ जुड़े रहिए। स्टोरी को लेकर अपनी राय जरूर दें।